गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मायसेल्फ आर के मिश्रा, इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही कम्पैक्ट सेशन होगा। आज दो बातों पे बात चलेगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ख्वाब होता है कि इंजीनियर्स अड्डा का अड्डा 247 का महापैक, आइदर आपकी ब्रांच मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, तो महापैक ही क्यों ज्वाइन करें। और आज इस बात को जानेंगे हम हमारे महापैक में पढ़ने वाले स्टूडेंट से। दूसरा ये बात रहेगा कि यार कोई बच्चा सपोज करो महापैक ज्वाइन कर देता है तो उसको कैसे यूज करे, वो हर एक एग्जामिनेशंस को महापैक कैसे यूज कर सकता है, महापैक के क्या क्या फीचर्स हैं, हम सारी बातों पे आज आपके डाउट्स और पर्दा उठाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा लेकिन शायद आपको आज ये पता चल जाएगा कि अदर प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में अड्डा का जो महापैक है बहुत ही अफोर्डेबल है और आप सभी इंजीनियर्स को आई थिंक अगर एनरोल्ड करना चाहिए तो महापैक में करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए। तो मेरे साथ अजय हैं। अजय थोड़ा सा आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए सो दैट कि बच्चे आपके बारे में जेन्युइन थॉट्स जान सके। सर मेरा नाम अजय कुमार है, मैं रुड़की से हूँ, उत्तराखंड से, एंड मैंने 2020 में फुल टाइम कम्प्लीट की थी मैकेनिकल से और अब मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैंने ऑफलाइन स्टडी की 1 ईयर एंड अब मैंने ऑनलाइन तो अड्डा 247 का शिक्षण लिया ऑनलाइन 1 ईयर के लिए, एंड मेरे को पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं एंड पूरा कंटेंट है, पूरा सब सिलेबस है A to Z लेके, और सबको महापैक ही ज्वाइन करना चाहिए, ना कि कोई अदर पैक्स जैसे, क्योंकि उसमें एक तो छूट मिल जाती है और बाकी सब उसमें सब सारी स्टडी मटेरियल होता है हमारा, सारी वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग पड़े रहते हैं, ऑनलाइन भी चलती है 7 to 8 hours तो चलती है आई थिंक। राइट, तो आपको अगर महापैक ज्वाइन किए तो आपको क्या मैकेनिकल इंजीनियर, आपने कौन सा महापैक ज्वाइन किया, सिविल का, मैकेनिकल का या इलेक्ट्रिकल का? मैकेनिकल का सर। राइट, तो मैकेनिकल का जो ईबुक है आपको मिला क्या, जो आपको प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज और सिस्टमैटिक तरीके से हर एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, फिर उसपे क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ऐसा मिला क्या? यस सर, ई बुक है वहाँ पे और उसके साथ में मतलब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नीचे क्वेश्चन है और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत अच्छा है वो ऐसे। राइट, अच्छा आप बताना कि क्या आपके मैकेनिकल के महापैक में आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस के टेस्ट सीरीज हैं क्या? यस सर है वहाँ पे सर। अच्छा, हमारी ई बुक है और वीडियो लेक्चर है, लाइव क्लासेस चलती है। ओके, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी टीम आपको पढ़ाती है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ या बाकी फैकल्टीज पढ़ाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जो कंटेंट आपको दे रहे हैं, जैसे मैं अगर बोलूं तो मैं आप लोगों से इंटरेक्ट होता रहता हूँ बेसिकली आपकी क्लास में, तो किस अप्रोच से पढ़ाते हैं, जैसे कि किसी भी चीज को समझाने के लिए इमेज और तमाम तरह के 3D पिक्चर्स का हेल्प लेकर के पढ़ाते हैं कि नहीं, आपको क्या लगता है, इनसाइड फैक्ट बताना यार। सर मतलब जैसे आप पढ़ाते हो तो मतलब क्या बोलते हैं, पिक्चर लेके पढ़ाते हो 3D फिगर, तो उससे बच्चे की इजीली समझ में आ जाता है एंड मतलब सारे कॉन्सेप्ट आप एग्जांपल भी ऐसे लेते हो जो इजीली समझ में आ जाए, हर बच्चे को पता हो, तो इसलिए सबसे अच्छा रहता है कि बच्चे के इजीली समझ में आ जाता है फिर। तो मैं अगर बोलूं कि आपने अगर महापैक से मतलब कि चलो ज्वाइन किया, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप डिफरेंट एग्जामिनेशंस को महापैक से मतलब कवर कर सकते हो क्या? जैसे मैं बोलूं SSC JEE की बात करते हैं यार, SSC JEE में आपको भी पता है मैकेनिकल के ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट आते हैं फिर नॉन टेक्निकल आते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि महापैक से SSC JEE के सिलेबस को अच्छे से कवर किया जा सकता है क्या? यस सर, वो तो मतलब SSC JEE तो हम इजीली कवर कर सकते हैं उससे, बट अदर जो एग्जाम होते हैं उनके भी हमारी प्रिपरेशन इजीली हो जाती है, क्योंकि जो सर आप पढ़ाते हो एंड शिवम सर है बहुत अच्छा पढ़ाते हो एंड मतलब सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी कराते हो, जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो उसके बाद क्वेश्चन भी कराते हो तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब क्वेश्चन आए हुए होते हो तो इससे बेटर है, मतलब कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस करने में मजा आता है, मतलब ये कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होता है। तो अब एक बात बताना कि अगर कोई एस्पिरेंट्स जैसे कि SSC JEE के अलावा अदर JEE एग्जाम का तैयारी कर रहा है स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, तो क्या अड्डा, जैसे कि आपने देखा होगा कि उसमें और भी जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी बैच आपको मिला होगा, उसमें HPCL का भी बैच मिला कि नहीं, DDS JEE का भी मिला, इनफैक्ट उसमें जनरल इंजीनियरिंग के भी बैचेस आपको मिले क्या? यस सर, वो मिले,
मतलब लाइव भी क्लासेस चली है एंड रिकॉर्डेड लेक्चर भी पड़े हैं वहाँ पे। राइट, मतलब जो क्लास लाइव होता है वही बाद में रिकॉर्डेड हो जाता है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आज के डेट में अगर जाओगे ना, जैसे कि ना मैं आपको भी दिखाऊंगा लाइव, कि जितना नीचे जाओगे ना, पुराने जितने भी बैचेस होते हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियो, हर एक सब्जेक्ट के फाउंडेशन टाइप का वीडियो पड़ा हुआ है। तो सपोज करो कोई बच्चा, जैसे कोई महापैक ज्वाइन करता है, तो क्या होता है कि अगर कोई एग्जाम कभी कभी, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सोचिए 15 दिन के नोटिस पे एग्जाम का डेट अनाउंस कर दिया, तो यार अब तो पॉसिबल नहीं है ना 15 दिन में आपको 350-400 घंटे की लाइव क्लास दे पाना, मतलब कंडक्ट करा पाना। तो हमने क्या कर रखा है, पहले से ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पुरानी वैकेंसी का महापैक में पैकेज असाइन कर दिया है, ताकि वो क्या है ना कि रिकॉर्डेड वीडियो आप 1x 2x स्पीड में अपने टाइम के हिसाब से फटाफट देखते चलो और नोट्स बनाते चलो। नहीं भी बना पाते हो तो नोट्स पीडीएफ वहां पे आपकी क्लास का मिल जाता है, तो ये एक बड़ा अच्छा रहता है। यस सर, ईबुक भी मिल जाती है तो उससे भी आप तैयारी कर सकते हो, मतलब। राइट, तो अब मैं थोड़ा सा एक बात मैं यहां पे इंटरफेस करना चाहता हूं, कि थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूं कि बच्चे महापैक को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, फिर उसके बताऊंगा कि कैसे आपको यूज करना है, लाइव आपको दिखाने वाला हूं। राइट, तो देखिएगा जरूर। सबसे पहले अड्डा 247 की ऑफिशियल वेबसाइट, या एक सेकंड के लिए मैं मोबाइल से कनेक्ट हो जाता हूं, लेट मी नो सो दैट कि मोबाइल, ज्यादातर से बच्चे मोबाइल यूज करते हैं तो मैं मोबाइल से ही कनेक्ट होने की कोशिश करता हूं। I think सुनाई दे रहा? Yes sir. Okay. तो now अब हम ऐसा करता हूं, स्क्रीन शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। ओके, एक सेकेंड रुकिएगा। एक सेकंड रुकिएगा गाइस, थोड़ा सा मुझे लगता है कि आवाज में दिक्कत आ रही होगी स्क्रीन शेयर करने में, आप थोड़ा सा मुझे टाइम दो तो मैं आपको बता दूंगा। एक सेकंड, करते हैं कि हम थोड़ा सा आपको यहीं से बता देते हैं, वेबसाइट से ही बता देंगे या सेपरेट वीडियो बना देंगे, कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट होने का, लेकिन फिर भी हम वेबसाइट से थोड़ा सा बता देते हैं। या देखो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से। फिर उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि मोबाइल नंबर या मेल आईडी से लॉग इन करना है। फिर जब ऐप पे जाओगे तो दो, मैं लाइव आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा, आप जैसे करेंगे तो आपको होम डाउट माई कंटेंट स्टोर, तो जैसे अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो स्टोर पे, और वहां पे आपको सबसे पहले स्टोर पे जाने के पहले अपनी कैटेगरी गेट एंड इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद अपनी रिस्पेक्टेड ब्रांच सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद स्टोर पे जाकर के आपको देखो जो भी कोर्सेस इनरोल करना है, सपोज करो महापैक इनरोल करना है, तो इंजीनियरिंग का महापैक आपको अपने रिस्पेक्टेड ब्रांच का दिखाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है कि बाय नाउ पे जाना है, तो बाय नाउ पे देखो वहां पे अगर 12 महीने का महापैक जो 2 सालों के लिए अभी मिल रहा है वो आपको अराउंड अभी मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 6+6 आ रहा है, 12+12 आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं स्पेशली सजेस्ट करता हूँ क्वाइन को भी यूज करना है, और कोड जैसे यहाँ पे ETH75 दिखेगा, ETH15 दिखेगा, तो आप माइट भी कोड मेरा यूज कर सकते हैं Y201। जैसे आप Y201 कोड यूज करोगे वेबसाइट एप्लीकेशन से ये 3500 का पड़ेगा। अब सपोज करो आपने महापैक ज्वाइन किया,
तो अब आपको ये देखना है कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखो यूज करने का सिंपल तरीका है, बैक आ जाना है, बाई नाउ कर दोगे, पेमेंट कर दोगे मेरा कोड लगा करके बाई टू सेवन, तो आपको क्या करना है कि माई कंटेंट पे जाना पड़ेगा। माई कंटेंट पे जाओगे तो आपको परचेस दिखाएगा, डाउट दिखाएगा, डाउनलोड दिखाएगा, बुक मार्क दिखाएगा, परचेस के जस्ट नीचे देखोगे लाइव क्लास दिखाएगा, टेस्टरीज दिखाएगा, वीडियो कोर्स दिखाएगा, ईबुक दिखाएगा। यहां से आपको पता चलता है कि आपको जाना कहां है। सपोज करो आपको लाइव क्लास में जाना है, तो लाइव क्लास में जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो महापैक में जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सबके आपको सब्जेक्ट वाइज फैकल्टीज के फोटो के साथ दिखने लगेगा। याद रखना अगर किसी ने जीरो वीडियो दिखा रहा है इसका मतलब वो क्लास अभी हुई नहीं है, आने वाले समय में होगा। लेकिन अगर किसी में जैसे 18 वीडियो दिखा रहा है, किसी में 9, किसी में 6, किसी में 17, किसी में 20, किसी में 29, किसी में 35 ऐसे दिखा रहा है, इसका मतलब वो क्लास चल रही है या हो चुका है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। मेरा यहाँ पे सजेशन होता है कि अगर जितना नीचे जाओगे ना और भी आपको डिफरेंट एग्जामिनेशंस के सब्जेक्ट वाइज पैकेज दिखेंगे, और उससे आप क्या है ना रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहते हैं, प्रीमियम कंटेंट होते हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और एक मैं आप लोगों को स्पेशली सजेस्ट करूंगा महापैक के लोग कि आप किसी पर्टिकुलर एक टारगेटेड एग्जाम की स्टडी प्लान को फॉलो करो। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा यार कैसे आप लोग मतलब कि एक स्टडी प्लान को अड्डा का देख सकते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊं, जैसे गेट इन इंजीनियरिंग में जाकर के जैसे सपोज करो एसएससी जेई का कोई लेना चाहता है, तो देखो एसएससी जेई का सिविल है ये। अब सिविल में देखोगे ना तो यहाँ पे आपको स्टडी प्लान सपोज करो ये नया वाला बैच है अभी नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ जैसे कि अगर आपको जैसे कि डीडीएस जेई का बात कर लेते हैं, आपको डीडीएस जेई का स्टडी प्लान चाहिए तो देखोगे यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो ये आप इस सेगमेंट पे जाकर के क्लिक किया तो नॉन टेक्निकल स्टडी प्लान या टेक्निकल, सपोज करो आपने टेक्निकल स्टडी प्लान को देखा तो देख रहे हो आपको क्या करना है, जैसे कि 17 जून को लाइव क्लास लेना है तो या 30 जून को लेना है, तो 17 जून को आपको महापैक में 12 बजे लाइव आना है, और 12 बजे जैसे ही एप्लीकेशन पे लाइव आओगे ना तो आपको लाइव क्लास दिखना शुरू हो जाएगा। लाइव नाउ दिखाएगा, रेड आपको ब्लिंक करने लगेगा। आपको अब सोचो कि महापैक से ये सोचना है कि डीडीएस जेई के सिलेबस को कैसे करना है, तो भाई देखो अड्डा 247 आपको महापैक में याद रखना, ध्यान देना, आप अड्डा 247 महापैक में डीडीएस जेई के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो आपको सब्जेक्ट वाइज पैकेज असाइन होगा, न कि डीडीएस जेई के नाम से होगा। जितने भी सब्जेक्ट सर्वे हो, चाहे एनवायरमेंट हो, चाहे सोम हो, चाहे स्टील हो, सब आपको सब्जेक्ट वाइज पैकेज दिखेंगे, सब्जेक्ट वाइज पैकेज दिखेंगे। आपको कंफ्यूजन होता है पता है क्या, अरे उसमें डीडीएस ही तो दिख नहीं रहा। भाई क्लासेस जो चलती है वो सब्जेक्ट वाइज ही चलती है, मेक श्योर दैट। अब जैसे कि अब इसका नॉन टेक्निकल का भी आपको पैकेज मिलेगा, तो नॉन टेक्निकल का ये जो टाइम दिया हुआ है उसी टाइम पे आपको लाइव आना है, और ये क्लास हो जाएगी तो बाद में आपको रिकॉर्डेड मिलने लगेगा, ये बात दिमाग में रखना। तो ये सारे सब्जेक्ट के आपको रिकॉर्डेड वीडियो जो फैकल्टी यहाँ पे पढ़ा रहा है उसके फोटो के साथ आपको एक थंबनेल दिखेगा, उस पर टिक करोगे और फिर आपको अगर क्लास इस डेट पे अगर आपको लेनी है तो उसी डेट पे आपको लाइव उसी टाइम पे आना पड़ेगा। फिर सपोज करो अगर उस टाइम पे नहीं आ पाए तो कम से कम उस फैकल्टी का नाम उस और उसका फोटो वाला थंबनेल देख करके बाद में भी जैसे उस पैकेज में एंटर करोगे तो उसके रिकॉर्डेड वीडियोस में मिल जाएगा। तो आपको ऐसे ही आपको हर एक एग्जाम की स्टडी प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज करो मैं आपको बोलूँ कि यार अभी एसएससी जेई का जो बैच आया है अभी इसका स्टडी प्लान कहाँ है, तो देखो भाई एसएससी जेई का जो बैच का स्टडी प्लान 2 से 3 दिन में आ जाएगा, यहीं पे आएगा क्लिक हियर डाउनलोड स्टडी प्लान पे दिख रहा ना विल अवेलेबल सून, तो 2-3 दिन में ये भी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो वहां से डाउनलोड करके जो जो टाइम शेड्यूल दिया होगा उसी टाइप में महापैक में अब आपको देखोगे रिस्पेक्टिव फैकल्टी के फोटोज के साथ आपको आपको वहां पे दिखने लगेगा। फिर आप वहां से क्या कर सकते हैं उसी गिवन टाइम पे आप लाइव आ सकते हैं। ये एक इंटरफेस होता है, आई थिंक आप समझ गए। और आपको टेस्ट सीरीज भी इसी तरह से मिल जाएगा, आई थिंक अजय टेस्ट सीरीज का इंटरफेस समझ गया हो ना। ओके गुड, तो ये देखो टेस्ट सीरीज पे अगर आपको जाना है तो टेस्ट सीरीज भी इसी में आपको मिलता है भाई। तो जैसे कि आप जाओगे ना तो जैसे ऐप पे रहोगे तो ऐप पे आपको जैसे कि लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, ईबुक, तो अगर आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है तो हर एक एग्जामिनेशन के महापैक में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो अजय आई थिंक सुन पा रहे हो क्या आप? यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सुन पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है गुड।
आई थिंक अब मैं ये कह रहा था कि आपको इंटरफेस समझ में आया कुछ कि महापैक को कैसे यूज करते हैं? यस सर। ओके, अब इसमें जैसे कि वीडियो कोर्स भी होता है क्या? वीडियो कोर्स में आपको क्या मिलता है इसमें? अगर मैं बोलूं कि लाइव क्लास, चलो ठीक है, वीडियो कोर्स में क्या मिलता है? वीडियो कोर्स में मतलब लेक्चर पड़े रहते हैं सर, रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ पे, मतलब हर सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट वाइज भी है एंड मतलब वो पेपर वाइज भी है वहाँ पे। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये ठीक है, अच्छा है। तो आई थिंक आपका रिकमेंडेशन क्या रहेगा बच्चों को लास्ट में, अगर मैं पूछूं कि बच्चों के महापैक के बारे में क्या कहना चाहते हो? सर महापैक ही लेना चाहिए बच्चों को तो, मेरे हिसाब से तो। अच्छा अच्छा, क्यों लेना चाहिए? मतलब क्या लगता है कि बार बार पैसा खर्च होता है क्या अलग अलग कोर्सेज को ज्वाइन करने से? नहीं सर, मतलब इसमें मतलब एक तो लॉन्ग टाइम के लिए डबल वैलिडिटी है और मतलब बहुत सारे एग्जाम को हम एक साथ ही कवर कर सकते हैं इसमें। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है गुड। तो चलो गाइस, आप लोग भी मतलब कि मेरा सजेशन है कि क्वालिटी आपको पता चल गया, बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, और आपको महापैक का इंटरफेस भी पता चल गया और कैसे यूज करते हैं मैंने आपको बताया। स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया टेक्निकल कारणों की वजह से, बट मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना करके दे दूंगा कि जैसे कैसे कैसे महापैक को यूज करते हैं इन जनरल स्टूडेंट्स, परेशान मत होइएगा, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पड़ा हुआ है वो वीडियो, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और जिनको ज्वाइन करना है जल्दी से डिसाइड करो, क्योंकि SSC JEE आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एग्जाम है, आप लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी है और आप लोगों को सिलेक्शन भी लेना है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। और ज्वाइन करते समय कोड यूज कर देना बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, इफ रेफरल कोड अगर आपको यूज करना है तो Y20। थैंक यू।